हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। सो दिस इज़ अनदर लेक्चर अंडर आर सीरीज़ क्विक नॉलेज क्रंच, जिसमें हम करंटली वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन इंडिपेंडेंस में, जिनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी और अपनी लाइफ उन्होंने देश के नाम कुर्बान कर दी। राइट, हमने डिफरेंट वुमेन लीडर्स जैसे रानी लक्ष्मीबाई, देन एनी बेसंत, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा असफ अली, बहुत सारी ऐसी फीमेल वॉरियर्स हुई, ठीक है, जिन्होंने जो है आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हमने वन बाय वन उनको हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं, मैं उनका लिंक जो है प्लेलिस्ट में शेयर कर दूँगी, ठीक है। ये आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, वेदर यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, यूजीसी, नेट्स, एसएससी, कोई भी आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बिना भी, सिर्फ एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से नहीं, एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से तो हम कवर कर ही रहे हैं, राइट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम साथ साथ में देखते हैं, बट इसके बिना भी, मतलब ये ऐसा टॉपिक है वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की, हम प्राइड, मतलब हमें बहुत प्राइड फील होता है इसमें कि हमारे देश में जो इतनी ब्रेव लीडर्स हुई हैं और हमें इंकरेजमेंट मिलती है इनसे, राइट, तो हम लोगों को ये जो है इनको चेरिश करना चाहिए। तो चलिए आज कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड है कैप्टन लक्ष्मी सहगल को, ठीक है। हाँ जी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो INA का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी इंडियन नेशनल आर्मी का, ठीक है, उसमें रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट था, राइट, तो उनको लीड करती थी लक्ष्मी सहगल, तभी इनको कैप्टन लक्ष्मी सहगल बोला जाता है। तो हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनकी जो ब्रेवरी के किस्से हैं वो डिटेल में देखेंगे, उनसे पहले हम एक बार इनका जो है बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो इनका जो बर्थ हुआ था, ठीक है, एज लक्ष्मी स्वामीनाथन हुआ था 1914 में, मतलब कब, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था तब उनका बर्थ हुआ। और इनके पेरेंट्स, फादर थे इनके एस स्वामीनाथन, जो एक फेमस लॉयर थे, एंड इनकी मदर थी AV अम्मुकुट्टी, जिन्हें अम्मू भी बोलते हैं, अम्मू स्वामीनाथन। ये खुद एक जो है सोशल वर्कर थी और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थी। ये जो अम्मू स्वामीनाथन थी ना, इनकी मदर लक्ष्मी सहगल की, ये गांधीयन फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। तो जैसे एक बार एग्जांपल है, मतलब इनकी लाइफ का एक इवेंट है, तो ये क्या करती हैं, जब इनकी डॉटर छोटी होती हैं, लक्ष्मी सहगल छोटी होती हैं, तो उधर उनके पास जाती हैं, उनके जो कपड़े होते हैं, राइट, फ्रॉक्स वगैरह जो भी कपड़े होते हैं बच्चों के, तो उसमें जो भी फॉरेन क्लोथ होते हैं सबको जला देती हैं। तो देखिए, जैसे उधर गांधी जी कहते थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है, आगे CDM में भी यही बात हुई कि हमें अपने इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट करना है, वो खादी को प्रमोट करते थे, और ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे, फॉरेन गुड्स थे, उनको हम बायकॉट कर रहे थे। तो पर्सनल लाइफ में इनकी मदर ने वैसा किया, अपनी बेटी की जो भी फॉरेन क्लोथ थे, फॉरेन की फ्रॉक्स वगैरह थी, वो सब उन्होंने जला दी। तो मतलब वो भी बहुत ज़्यादा जो है इंडियन इंडिपेंडेंस में उनका भी अच्छा रोल रहा है। और फिर वो बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसे हमने देखा, ठीक है, 15 वुमेन जो हैं इंक्लूड हुई थी, तो उनमें से एक जो अम्मू स्वामीनाथन भी बनी थी। तो ये हुई, चलो, लक्ष्मी सहगल की मदर की बात। अब हम लक्ष्मी सहगल पे वापस आते हैं। तो इनका एक तो छोटी एज में ही देखें तो इनकी शादी हो जाती है, ठीक है, पर वो शादी, मतलब जो इनके हस्बैंड होते हैं एक पायलट होते हैं, और ज़्यादा चलती नहीं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती इनकी शादी। और फिर वो वहाँ से जो है, मतलब शादी से निकल के, ठीक है, लक्ष्मी सहगल मतलब उनको डाइवोर्स दे देती हैं। उसके बाद ये अपनी MBBS की डिग्री करती हैं, डॉक्टरेट होती हैं ये, मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम पे वुमेन एजुकेशन वगैरह, जैसे हमने देखा हमारे कई लीडर्स भी ऐसी हुई हैं जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन अटेन नहीं किया था, बट इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी रही, इन्होंने डॉक्टर जो बनी, MBBS की डिग्री ली, बाद में ये गायनोकोलॉजिस्ट का भी जो है कोर्स करती हैं, तो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं बेसिकली। और फिर उसके बाद इन्होंने क्वीन मैरीज कॉलेज से जो है अपनी MBBS की डिग्री ले ली, और
क्वीन मैरी कॉलेज पे ये पढ़ी और उसके बाद इन्होंने अपनी एमबीबीएस डिग्री मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज 1938 से ली। फिर उसके बाद क्या होता है, ये अब जैसे इनका डाइवोर्स वगैरह तो हो जाता है, ये फिर सिंगापुर चली जाती हैं। वहाँ पे ये एज अ डॉक्टर वर्क करती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ही इनकी जो है मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से होती है, जो वहाँ पे सिंगापुर में आईएनए को रीऑर्गेनाइज करने आए होते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि आईएनए फाउंड जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी। अगर ओरिजिनल हम फाउंडर देखते हैं, राइट, वो सेकंड फेज था। फर्स्ट फेज जो थे मोहन थे, कैप्टन मोहन सिंह, जापान, मतलब उन्होंने जापान में जो है आईएनए बनाई थी 1942 में। उसके बाद वो थोड़ा इतने अच्छे से नहीं वर्क की, तो सुभाष चंद्र बोस जब 1943 में सिंगापुर गए, वहाँ पे इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। सेकंड फेज आईएनए का स्टार्ट होता है, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन इंडिपेंडेंस में। उस टाइम ब्रिटिशर्स का बुरा हाल हो गया था, लिटरली उनका बुरा हाल हो गया था। एक साइड तो इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट जोर पकड़े हुए थी, पूरा जो है इंडियन लोग शामिल हो रखे थे उसमें, ठीक है। बहुत ऐसा मोमेंट, मतलब जो आज़ादी वाला मोमेंटम था यहाँ पे। और उसके बाद उधर सुभाष चंद्र बोस की आईएनए की एक्टिविटीज़, तो ब्रिटिशर्स परेशान हो गए थे इसे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, जर्मनी उनको तंग कर रहा था, तो उस टाइम सारी तरफ से जो है ब्रिटिशर्स की बुरी हालत थी। तो ऐसे करके जो है आईएनए ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लोग, मतलब कई लोग तो मानते कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इतने स्ट्रांग लीडर थे, ठीक है, उनका इतना इन्फ्लुएंस पड़ा, तो आज़ादी कहीं ना कहीं उनको डेडिकेट करनी चाहिए। ओके, तो चलिए वापस आते हैं हम लक्ष्मी सहगल पे। तो इनका अगर देखें, इनका जो रिबेलियस नेचर था ना, इनके वो जो बचपन के इवेंट्स हैं उससे ही हमने हमें देखने को मिल जाता है। क्या हुआ था, इनके जिधर ये रहती थी, ठीक है, केरला वगैरह में रहती थी, वहाँ पे कास्टिज्म बहुत था। तो जब ये छोटी बच्ची होती हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, इनको आवाज़ें सुन रही होती हैं, ठीक है, ऐसे शाउटिंग की, थोड़ा ऐसा मतलब नेगेटिव वॉइसेस सुनती हैं, ठीक है। तो ये अपनी दादी से पूछती हैं कि ये किनकी आवाज़ें हैं, ये कौन ऐसे चीख रहा होता है। तो उनकी दादी बोलती है कि कुछ ऐसे ही लोग होते हैं, ठीक है, जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, मीन्स जो लोअर कास्ट के लोग हैं। ऐसे ही बोलते थे पहले कि हाँ, जैसे हमने देखा डॉक्टर अम्बेडकर की भी जब बात करते हैं, तो उन्होंने भी चाइल्डहुड में वैसे जो है अनटचेबिलिटी वाले इश्यूज फेस किए, राइट। तो मतलब वो बोलते थे कि जैसे अनटचेबल्स होते हैं, लोअर कास्ट के होते हैं, इनको जो है पानी नहीं पीने को मिलता, छूना नहीं है किसी को, राइट। तो ऐसे ही पॉल्यूशन का प्रिंसिपल बोलते थे कि इनसे पॉल्यूशन होती है, ये लोग अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे ही इनकी दादी भी लक्ष्मी सहगल की यही बोलती है कि कुछ ऐसे लोग हैं, पॉल्यूटिंग लोग हैं, ठीक है, तुम ध्यान मत दो। पर फिर ये जाके देखती हैं बाद में, फिर वो वहाँ पे ट्राइबल एरिया होता है, ट्राइबल बच्चे होते हैं, तो ये उनमें से फिर मतलब बच्चों के साथ खेलने लग जाती है, ट्राइबल बच्चों के। तो पहले इनकी दादी बहुत गुस्सा होती है, पर बाद में ये उनको मना लेती हैं। तो ये एक मतलब जो उस टाइम कल्चर चल रहा था उससे अलग उन्होंने जो है लक्ष्मी सहगल ने काम किया, और वो उनके बचपन की बात है, राइट। तो इनका मतलब एटीट्यूड जो हमें ऐसा रिबेलियस एटीट्यूड है, ये बचपन से ही दिख जाता है। फिर उसके बाद मद्रास में वहाँ पे ही जैसे अनटचेबल्स के लिए वर्क करना, राइट, ठीक है। तो ये मतलब जो भी अनइम्पावर्ड लोग होते हैं, पुअर होते हैं, तो सबके लिए ये काम करती हैं बहुत। फिर उसके बाद चलिए अभी क्या होता है, ये सिंगापुर चली जाती हैं, राइट, ठीक है। तो वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज जो होती है उनके कांटेक्ट में आती हैं। फिर वहाँ पे अब सिंगापुर में जो सुभाष चंद्र बोस है वहाँ पे आ जाते हैं, और वो खुद भी जो है वुमेन रेजिमेंट बनाने की बात कर रहे होते हैं आईएनए में, राइट। तो इनको सुनने को मिलता है, ये वैसे भी सुभाष चंद्र बोस से बहुत इंप्रेस होते हैं, इतनी बड़ी हस्ती हो गए होते हैं वो, तो ये बहुत इंप्रेस होती है। और ये खुद भी जो है, क्योंकि इसका जो बचपन देखोगे आप, इनका बचपन ही ऐसी एक्टिविटीज़ से, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ठीक है, फ्रीडम के लिए जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे थे उनसे इंस्पायर्ड हुआ होता है। इनकी मदर खुद जो हैं वो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट रही, फिर आसपास भी इन्होंने जो है वही कल्चर देखा, राइट। तो इनमें भी जो है देश के प्रति जो प्यार होता है, देश के प्रति जो लगाव होता है, वो कुट कुट के भरा होता है। मतलब ये भी चाहती है कि हाँ, मैं देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लूँ।
तो ये सुभाष चंद्र बोस से मिलती हैं, उनसे बात करती हैं 5 घंटे तक, 4-5 आवर्स, ठीक है, ये कन्विंस करती हैं उनको, ठीक है, इनकी 5 आवर्स के लिए इंटरव्यू चलती है सुभाष चंद्र बोस के साथ, और ये उनको कन्विंस करती हैं कि जो बाद में रानी झांसी का रेजिमेंट बनता है, ठीक है, INA में, उसको ये लीड करती हैं। तो कितना मतलब इन्होंने मतलब था कि बस मेरे को जो है देश की लड़ाई में इंक्लूड होना है, तो ये लीड करती हैं उसको। 8 जुलाई 1943 को ये वुमेन को रिक्रूट करना स्टार्ट कर देती हैं INA में, और इनके अंडर रेजिमेंट बनती है, अराउंड 1500 वुमेन सोल्जर्स होते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद INA अलग अलग जगह अटैक करती है, फिर जापान के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, जापान ही हमारी हेल्प कर रहा होता है INA की, तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर वगैरह होते हैं, लक्ष्मी सहगल एज अ डॉक्टर, ठीक है, और भी काम करती है, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स होते हैं, ठीक है, उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, कुछ उनको रिलीफ के लिए उनके काम करना, तो साइड बाय साइड लक्ष्मी सहगल वो भी करती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये बर्मा पे अटैक कर देते हैं, जापान जो है बर्मा में अटैक करता है, INA साथ में होती है जिधर ब्रिटिशर्स होते हैं, तो ये उधर अटैक करते हैं 1944 में। तो पहले तो सब सही चलता है, बट फिर क्या होता है 1945 में और भी जो एलाइज हैं, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स का साथ देने लगते हैं, जर्मनी भी उस टाइम पावर उसकी ख़त्म हो रही होती है, इटली की भी पावर, मतलब जो भी कंट्रीज ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे वो कहीं ना कहीं अब अपनी पावर उनकी कम होने लग गई थी, ठीक है, अमेरिका आ जाता है वॉर में, अमेरिका जो है ब्रिटिशर्स की साइड लेता है उस टाइम पे, तो बर्मा में हमें जो है हार फेस करनी पड़ती है, ठीक है, वहाँ पर जापान हार जाता है, और उसके बाद फिर INA के भी जो सोल्जर्स हैं उनको पकड़ लिया जाता है, तो कैप्टन लक्ष्मी भी उनमें एक होती हैं, तो हमें जो है पकड़ लिया जाता है, और ब्रिटिशर्स जो है ट्रायल्स चलाते हैं, फिर बहुत फेमस है ये, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आप प्लीज़ नोट कर लें, ठीक है, INA ट्रायल्स होते हैं रेड फोर्ट में, ठीक है, क्या होता है ब्रिटिशर्स जो है हमें ट्रेटर्स की तरह कंसिडर कर रहे होते हैं कि तुम लोगों ने ब्रिटिश जो है आर्मी का साथ नहीं दिया, ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया, तुम लोग गद्दार हो, तुम ट्रेटर हो, ठीक है, तो इसलिए वो हमारे पे ट्रायल्स चलाते हैं। फिर 1946 में ट्रायल्स होते हैं जो रेड फोर्ट पे दिल्ली में, और उस पे पहले जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं 3 लीडर्स करते हैं, PK सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों एंड शाहनवाज खान, ठीक है, तो ये तीनों देखिए आप अलग अलग कम्युनिटी से होते हैं ये, राइट, तो ब्रिटिशर्स इन पे तीनों पे पहले इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इन पे ट्रायल चलाते हैं, उनको ये था कि हम अलग 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 रिलीजन के लेंगे, ठीक है, लोग, तो उससे क्या होगा, यूनिटी नहीं होगी, कोई भी कोई डर नहीं होगा, बट क्या होता है कि उस टाइम पे चाहे पाकिस्तान इशू चल रहा हो चाहे कुछ भी हो, तो सारे लोग यूनाइटेड हो जाते हैं, मतलब INA का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा पड़ा था, तो इनके ट्रायल्स के खिलाफ सब लोग जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं, लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, वो डिफेंस में इनके काम करते हैं, और इनको गिल्टी प्रूफ किया जाता है दो, बट उस टाइम पे लोगों का प्रेशर इतना ज़्यादा था, और साथ में एक बहुत फेमस म्यूटनी, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हो जाती है, ठीक है, 1946 में, जैसे 1946 में फेब में ट्रायल्स चलते हैं, 1946 मार्च में जो है वो म्यूटनी हो जाती है, एंड उसमें जो है वो भी INA के जो ट्रायल्स होते हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमारी नेवी में अब म्यूटनी हो गई थी, ठीक है, तो आप देखेंगे पहले क्या हुआ था, हमारे 1857 में सिपॉय म्यूटनी हुई थी, सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था, ब्रिटिशर्स तब भी डरे थे, तब भी इतना बड़ा चेंज लेके आए थे वो, अपने पूरा क्राउन रूल बन गया था, ठीक है, और जब अब हमारी रॉयल इंडियन म्यूटनी हुई नेवी की, तो इसमें भी ब्रिटिशर्स डर जाते हैं कि अब तो सोल्जर्स पिक्चर में आ गए हैं, ये हमारे अगेंस्ट हो गए हैं, तो अब ब्रिटिश डर जाते हैं, ब्रिटिशर्स को हो जाता है कि अब तो हमें जो है देश छोड़ना ही पड़ेगा, तो ये हमारी एक इस तरह से अचीवमेंट हो जाती है, हमें इंडिपेंडेंस की तरफ हम बढ़ जाते हैं, राइट, तो इस फिर इनको जो है छोड़ दिया जाता है वहाँ पे ट्रायल्स में, ठीक है, तो ऐसे करके लक्ष्मी सहगल की कंट्रीब्यूशन भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रही, ठीक है, इन्होंने जो है हमारी जो नई फौज बनाई थी अलग से एक सुभाष चंद्र बोस ने उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, और जो रानी झांसी की रेजिमेंट थी उनको लीड किया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होती है, जैसे हमने जो प्रेम कुमार सहगल की जिनकी बात की, PK सहगल जो खुद जो है इसमें INA में
INA में इन्वॉल्व थे, ठीक है, जिनके खिलाफ ट्रायल चला था, तो लक्ष्मी सहगल जो है इनसे शादी कर लेती हैं 1947 में। पहले एक शादी होती है, राइट, हमने बात की थी, वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, बाद में इनसे शादी होती है 1947 में, ठीक है, और फिर उसके बाद ये कानपुर में सेटल हो जाती हैं। अब देखिए क्या करती हैं, इनका रोल देखिए, पहले ये मेडिकल की स्टूडेंट थी, ठीक है, ये तब भी जो है जो लोग इम्पावर्ड नहीं होते थे उनके लिए काम करती थी, माइग्रेंट लेबरर्स के लिए काम करती थी, ठीक है, उसके बाद ये INA का पार्ट बनती हैं, फिर ये देश की सेवा करती हैं, राइट। उसके बाद जब चलो INA का सब हो गया, इंडिपेंडेंस हमें मिली, ठीक है, तब पार्टीशन के रायट्स होते हैं, ठीक है, तब ये अपने हस्बैंड के साथ मिलके दोनों ये जो हैं रिफ्यूजीज़ को एड प्रोवाइड करते हैं, ये फिर मेडिकल जैसे एड होती है वो देती हैं रिफ्यूजीज़ को, तो तब भी ये देश की सेवा में लगी रहती हैं, ठीक है, अलग अलग रोल्स निभाती हैं बट देश की सेवा करनी नहीं छोड़ती, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये हुआ, उसके बाद 1971 में अब ये पॉलिटिक्स में एंटर होती हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की मेंबर बनती है। क्या होता है, इनकी डॉटर भी जो है कम्युनिस्ट पार्टी में होती हैं, और ये इनकी डॉटर इनको बोलती हैं, 1971 कौन सा टाइम है, जब बांग्लादेश सेपरेट हो रहा था, बांग्लादेश की वॉर चल रही होती है, राइट, तो सॉरी बांग्लादेश की वॉर चल रही होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे रिफ्यूजीज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, रिफ्यूजी कैंप्स लगे होते हैं, उनको भी मेडिकल एड वगैरह की ज़रूरत होती है, तो लक्ष्मी नाथन की जो डॉक्टर होती है वो बोलती है कि लक्ष्मी नाथन की जो सॉरी लक्ष्मी सहगल की जो डॉटर होती हैं वो उन्हें बोलती हैं कि वहाँ पे ऐसे मेडिकल एड की ज़रूरत है, तो लक्ष्मी सहगल वहाँ भी जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है मेडिकल एड प्रोवाइड करती है, तो ऐसे अलग अलग जो है एक्टिविटीज़ में ये पार्टिसिपेट करती हैं, और उसके बाद फिर ये खुद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो है पार्ट बन जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हमें पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, राइट, 1984 में, ठीक है, फिर वहाँ पे मेडिकल टीम जाती है कि कैसे क्या एनालिसिस हुआ, ठीक है, वहाँ पे एनालिसिस करती है कि क्या एग्जैक्टली कैसे चीज़ें हुई हैं, क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं, तो उसको भी लक्ष्मी सहगल जो है लीड करती हैं, तो इन्होंने अलग अलग रोल्स प्ले किए, डॉक्टर थे तो डॉक्टर की तरह इन्होंने रोल प्ले किया, ठीक है, इंडिया की लाइक वेलफेयर के लिए, उसके बाद अगर INA की बात करें तो वहाँ पर कमांडर की तरह काम किया, ठीक है, और आज़ादी के बाद भी ये कंटिन्यू करती रही, ठीक है, फिर इसीलिए इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करते हुए 1998 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, प्रेसिडेंट के आर नारायण ने इनको जो है पद्म विभूषण दिया, ठीक है। उसके बाद फिर 19 जुलाई 2012 की बात है, ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है कानपुर में कार्डियक अरेस्ट से, ठीक है, तो फिर उसके बाद हाँ मतलब इनकी जो है 2012 में इनको कार्डियक अरेस्ट होता है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, और इनकी बॉडी को डोनेट किया जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में और मेडिकल रिसर्च के लिए। देखिए जब ये 92 ईयर्स की होती है, राइट, ठीक है, 92 ईयर्स की होके भी ये कानपुर में अपना एक छोटा सा क्लिनिक चलाती हैं, वहाँ पे भी जो पुअर लोग हैं, गरीब हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात थी ये, मतलब टिल द एंड ऑफ हर लाइफ इन्होंने जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया, एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम किया, हर वक्त ये जो अनइम्पावर्ड होते थे, थोड़े लोग जो पुअर होते थे, ठीक है, उनके साथ रही हैं ये, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब इनकी डेथ भी होती है तो भी आगे इनकी बॉडी जो है डेडिकेट की जाती है मेडिकल रिसर्च के लिए, तो लाइफ का एंड हो गया उसके बाद भी ये काम आती है देश के, राइट, तो ऐसे करके लक्ष्मी सहगल जिन्हें हम कैप्टन लक्ष्मी सहगल भी बोलते हैं, उनके अलग अलग रोल्स में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा, इसीलिए इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो चलिए यहाँ पे आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है, जिसमें हमने लक्ष्मी सहगल की डिटेल में बात की, INA की बात की, तो ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, हमारी जो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की सीरीज़ है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। आज हमने डिफरेंट डिफरेंट जो है वुमेन फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन देखा है वन बाय वन,
तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आप देखिए। मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अब नेक्स्ट जो है हम सोशल रिफॉर्मर्स की बात करेंगे, ठीक है। अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने इंडिया के रिफॉर्मेशन के लिए काम किया, जो भी कोई कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी, जो मतलब अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं थी, उनको उन्होंने रिफॉर्म करके देश सुधार के लिए काम किया। फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, अलग अलग जो हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आई हैं इंडिया में, ठीक है। उनकी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी, आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा तो हम कल से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। एंड आपको अगर जो है एडिशनल कंटेंट चाहिए, राइट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उनका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। वहाँ पे और भी डिस्कशंस वगैरह रहती हैं, राइट, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आपस में क्विज़ वगैरह भी होते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे कल फिर सोशल रिफॉर्मर्स के साथ। एंड टिल देन बाय, बी सेफ, पढ़िए, ठीक है, एंड पेंडेमिक में सेफ ही रहिए और एक दूसरे की हेल्प कीजिए। तो चलिए, बाय।